दोस्तों, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा था तो चुनाव आयोग ने बड़ी बड़ी बातें कही थी, राजनीतिक दलों को आगाह किया था, वार्निंग दी थी कि वो बहुत सोच समझकर चुनाव प्रचार करें, नहीं तो चुनाव आयोग एक्शन लेगा। तो बड़ा सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और निर्मला सीतारमण के खिलाफ एक्शन होगा, क्योंकि दोनों के खिलाफ बकायदा लिखित शिकायत दी गई है चुनाव आयोग को। दोस्तों, एक खबर देखिए जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि तमिलनाडु में डीएमके ने 19 मार्च यानी कि कल को चुनाव आयोग को बकायदा लिखित शिकायत दी है पीएम मोदी के खिलाफ और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ। दोस्तों, डीएमके द्वारा लिखित शिकायत दी गई है मुख्य निर्वाचन अधिकारी को और उसमें कहा गया है कि पीएम मोदी की पब्लिक रैली में, पीएम मोदी की सभा में बच्चों का इस्तेमाल किया गया, 12 से 15 साल के बच्चों का इस्तेमाल किया गया, उन्हें न केवल अपने अभियान में लगाया गया, पीएम मोदी के अभियान में लगाया गया, बल्कि बीजेपी के प्रतीक चिन्ह वाले कपड़े भी बच्चों को पहनाए गए। इसके अलावा 18 मार्च को रोड शो के दौरान बीजेपी का जो रोड शो था उसमें बच्चों से कविता पाठ और गायन प्रस्तुत करवाया गया, जो कि हर हाल में चुनाव आचार संहिता के खिलाफ है। चुनाव आयोग जो नियम बनाता है उसके खिलाफ है, आप बच्चों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये डीएमके की शिकायत में कहा गया है। दोस्तों, इसके अलावा निर्मला सीतारमण के खिलाफ भी एक याचिका डाली गई है, शिकायत की याचिका चुनाव आयोग के सामने, क्योंकि इस याचिका में कहा गया है कि जिस वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका था उस वक्त 16 मार्च को चाणक्य टीवी की एक वर्षगांठ थी, उस दौरान खुलेआम निर्मला सीतारमण ने उस कार्यक्रम में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया और बकायदा उन्होंने अपने उस भाषण में हिंदुओं से अपील करते हुए झूठा दावा किया कि द्रमुक मंदिरों और धर्म को नष्ट कर रही है, जबकि खुद चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि धर्म के नाम पर ना तो कोई वोट मांग सकता है, ना कोई धर्म के नाम का, विशेष धर्म का भी इस्तेमाल कर सकता है वोट मांगने के लिए। हालांकि हमारे देश में तो धर्म के नाम पर ही चुनाव हो रहे हैं, उसी नाम पर जीते जाते हैं, उसी नाम पर हारे जाते हैं। लेकिन अगर चुनाव आयोग अपने नियमों को लेकर सख्त है तो बड़ा सवाल है कि चुनाव आयोग क्या वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री को लेकर जो विपक्ष के नेता लगातार लिखित शिकायत दे रहे हैं उस पर क्या एक्शन लेगा, क्योंकि अभी जब चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ था तो राहुल गांधी को आगाह किया गया था चुनाव आयोग द्वारा कि वो पॉकेट मार या पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। चलिए, विपक्ष के नेताओं को तो चुनाव आयोग ने आगाह कर दिया, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस द्वारा लिखित शिकायत दी गई है जिसमें पीएम मोदी पर ये आरोप तृणमूल कांग्रेस ने लगाए हैं कि अपनी पब्लिक रैली के लिए, अपनी चुनावी सभाओं के लिए पीएम मोदी वायु सेना के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो लगातार पीएम मोदी पर अलग अलग राजनीतिक दल, विपक्षी दल चुनाव के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है कि वो न केवल पीएम मोदी या फिर उनके मंत्रियों पर कार्रवाई करे, क्योंकि लिखित शिकायत जा चुकी है।